Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Shumaila Manzur from Ikra Schools and Colleges, Sadiqabad. Students, today we lecture number 4 start and today we will cover the following topics in our lecture What are unfair labor practices by employers and employees? Unfair labor practices by employers. इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर हम अनफेयर लेबर प्रैक्टिस जो हैं इम्प्लॉयर्स की तरफ से जो कि सेक्शन 15 के मुताबिक हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो कि एक इम्प्लॉयर या किसी जॉब के अंदर कोई या इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कोई इम्प्लॉयर जो है वो ऐसी नाइंसाफ़ी जो है वो वर्कमैन के साथ करते हैं ऐसी प्रैक्टिस के ऊपर बात हो रही है नंबर वन इसके अंदर हमारा पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन टू जॉइन द ट्रेड यूनियन अब कुछ पाबंदी लगाई जाती है एम्प्लॉयर्स की तरफ से कि ट्रेड यूनियन को इम्प्लॉई या वर्कर जो है वो ज्वाइन न करे उसके ऊपर कुछ ऐसी कंडीशन इम्पोज़ कर दी जाती हैं वर्कर्स के ऊपर कि वो ट्रेड यूनियन को अगर ज्वाइन करेंगे और उसकी वजह से एम्प्लॉयर जो है वो उनको आउट ऑफ जॉब कर देगा उसके ऊपर पाबंदी लगाएगा तो ये एक एम्प्लॉयर की अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है हालांकि जो वर्कर्स हैं उनको एम्प्लॉज को अलाउ किया गया है 1969 के के तहत कि वो ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट पॉइंट है नंबर फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ये पॉइंट भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है एम्प्लॉयर की तरफ से इसके अंदर भी रिफ्यूज uh, किया गया है एम्प्लॉयमेंट से सिर्फ ऑन द बिहाफ ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ ट्रेड यूनियन अगर कोई एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करता है तो उसे आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर दिया जाएगा कि उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा कि सिर्फ इस बिहाफ के ऊपर इस ग्राउंड के ऊपर कि वो किसी भी ट्रेड यूनियन के अंदर ऑफिसर है या उसका मेंबर है तो एम्प्लॉयर की तरफ से एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है कि उसको रिफ्यूज़ कर देना एम्प्लॉयमेंट से पॉइंट नंबर थ्री है रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रमोशन अब हम बात कर रहे थे कि इम्प्लॉय जो हैं वो किस तरह अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करते हैं और रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं उनकी प्रमोशन के ऊपर एम्प्लॉयज़ की और ग्राउंड्स फिर वही हैं कि उन्होंने ट्रेड यूनियन ज्वाइन की हुई है कोई भी रेस्ट्रिक्शन जो है इम्प्लॉय की प्रमोशन के ऊपर और रीज़न सिर्फ ये हो कि वो किसी भी ट्रेड यूनियन के अंदर मेम्बर या ऑफिसर है ये भी एक अनफ़ेयर लेबर प्रैक्टिस है इम्प्लॉयर की तरफ से पॉइंट नंबर फोर है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एम्प्लॉज़ डिस्क्रिमिनेशन का मीन होता है कि फ़र्क करना इम्प्लॉइज़ के दरमियान में यानी इट मीनस जो ट्रेड यूनियन का मेंबर है और जो नेक्स्ट ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं है कोई भी फ़र्क जो है वो आप डालें एम्प्लॉयर और इम्प्लॉय जो हैं वर्किंग कंडीशंस की बुनियाद पर कि वो मेंबर है ट्रेड यूनियन का ये भी एक एम्प्लॉयर की अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है पॉइंट नंबर फाइव है डिसमिजल ड्यू टू द पार्टिसिपेशन इन ट्रेड यूनियन अगर कोई भी वर्कमैन है उसको डिसमिस किया जाए जॉब से उसको हटा दिया जाए या उसको थ्रेटन किया जाए कि उसकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी एम्प्लॉयर की तरफ से सिर्फ इस बिहाफ के ऊपर कि उसने पार्टिसिपेट किया हुआ है ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज़ के अंदर ये भी एक एम्प्लॉय की तरफ से अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है पॉइंट नंबर सेवन है इंड्यूसमेंट बाय ऑफ़र यानी ऑफ़र के ज़रिए से उसको इंड्यूस करना उसको माइल करना किसी भी ट्रेड यूनियन के ऑफ़िसर को ट्रेड यूनियन के ऑफ़िसर को कंपेल किया जाए किसी ऑफ़र के ज़रिए से कि इम्प्लॉयर जो है वो उसके बात को इम्प्लॉय जो है वो सेटल कर ले और ये भी एक इम्प्लॉय की तरफ से अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होगी कि किसी भी इम्प्लॉयी को किसी भी ट्रेड यूनियन के ऑफ़िसर को किसी भी ऑफर के ज़रिए से कंपेल करना और टू अप्लाई क्वेश्चन करके भी किस तरह अप्लाई करेगा क्वेश्चन उस पर जबरन उससे वो सेटलमेंट करवाएगा एम्प्लॉयर तो ये भी एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है कि किस तरह क्वेश्चन जो है वो एक ऑफ़िसर को अपनी बात मनवाने के लिए एक एम्प्लॉयर जो है ट्रेड यूनियन के अंदर इस्तेमाल कर सकता है नेक्स्ट पॉइंट है इंटरफेरेंस इन इलेक्शंस अब एम्प्लॉयर जो है ये भी अनफ़ेयर लेबर प्रैक्टिस है एम्प्लॉयर की तरफ से और कोई भी इंटरफेरेंस जो है वो एम्प्लॉयर करता है ट्रेड यूनियंस के अंदर चल के इलेक्शंस की सूरत में ये भी एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है या फिर वो किसी कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट के थ्रू इंटरफेरेंस करवा रहा है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की सूरत में या कंडीशंस ऑफ वर्किंग के ऊपर किसी बारगेनिंग एजेंट को आगे रखता है कि वो वर्कर्स के साथ जाकर इलेक्शंस के ऊपर बात करें कि अगर वो हमारी मर्जी के मुताबिक काम करेंगे और हमें जो है वो आगे हमारे जो ये एम्प्लॉयर के जो व्यूज़ हैं उनको आगे लेकर चलेंगे तो ये भी एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है नेक्स्ट पॉइंट के अंदर रिक्रूटमेंट ड्यूरिंग स्ट्राइक स्ट्राइक के ऊपर जो है वो रिक्रूटमेंट जो है यानी दोबारा से भर्ती कर देना दोबारा से भर्ती करना दोबारा से भर्ती करने के अंदर यही है कि रिक्रूटमेंट करवाई जा रही है फिर से दोबारा से ये अगर लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है और लॉकडाउन के अंदर वर्कमैन जो हैं उनको निकाल दिया गया है और दोबारा से भर्तियां की जा रही हैं ये इलीगल तो नहीं है लेकिन अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है इसको इ क्यों नहीं कहा जा रहा क्योंकि इ होने का मतलब यही है कि ये गैर क़ानूनी है ये गैर कानूनी नहीं है क्योंकि एक मशीनरी की वर्किंग पोजीशन को जारी रखने या मेंटेन रखने के लिए न्यू रिक्रूटमेंट या नई भर्तियां जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्लोज डाउन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है यानी आप मुकम्मल तौर पर अपने इदारे को बंद कर दें हालांकि ये ऑर्डर स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो अलेवन एट के अंदर इससे तजाद या इसके ख़िलाफ़ जो है ये शो किया गया है कि ये ठीक नहीं है कमर्शियल इम्प्लॉयमेंट ऑर्डीनेंस 1968 जो कि पाकिस्तान का ऑर्डीनेंस है तो ये है तो गलत कि मुकम्मल तौर पर कंप्लीट क्लोज डाउन कर देना किसी भी इस्टेबलिशमेंट का ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है इम्प्लॉयर की तरफ से नेक्स्ट इलीगल लॉकआउट भी जो है वो भी इम्प्लॉयर की अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में शामिल है कि जो लीगली जो है लॉकआउट करना तो एक रीज़नेबल बात है लेकिन इलीगल आप लॉकआउट करके अमले को जो है वो आउट ऑफ जॉब कर दें दैट इज़ नॉट फेयर अनफ़ेयर लेबर प्रैक्टिस वाई वर्कमैन स्टूडेंट्स प्रीवियस जो क्वेश्चन था या प्रीवियस जो टॉपिक था उसके अंदर हमने अनफेयर लेबर प्रैक्टिस जो है वो एम्प्लॉयर की डिस्कस की थी अब हम इम्प्लॉज़ जो है उनकी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस डिस्कस कर रहे हैं अंडर सेक्शन सिक्सटीन के मुताबिक सेक्शन 16 में वर्कमैन की जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस शो हो रही हैं हमारे पास वो है परसुएशन ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स यानी प्रसू करना उनको आमादा करना वर्किंग आवर्स के दौरान कि वो ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करें किसी भी वर्कमैन को ये कहना ये भी एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है एम्प्लॉयर के लिए नेक्स्ट हमारे पास है वर्कमैन इंटीमीडियट्स यानी वर्कमैन जो है वो डर या खौफ पैदा करे और परसू करे आमादा करे किसी भी वर्कर को कि वो जो है हमारे पास ट्रेड यूनियन का ऑफिसर या मेंबर हो सकता है उसको डर या खौफ बिठाया जाए उसके जहन में कि ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है एम्प्लॉ की तरफ से वर्कमैन की तरफ से तो जो वर्कमैन है नेक्स्ट जो है वो परसुएशन बाय ऑफ़र करे कि हम तुम्हें जो है वो परसू कर रहे हैं कि हमें तुम ये पेशकश इस मुफाद की तरफ जो है तुम्हें लेकर आ रही तो अगर किसी शख्स को हम कोई पाबंदी करते हैं उसको रेस्ट्रेंट करते हैं उसके उसको मना करते हैं या कायल कर लेते हैं कि वो इंड्यूस्ड करते हैं यानी इंड्यूस्ड करना का मतलब कायल करना और रेस्टोरेंट का मतलब है उसको मना करना दोनों सूरतें यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं किसी भी मेंबर को अगर हम ये दोनों सूरतें इख्तियार करते हैं कि वो मेंबर या ऑफिसर हो जाए ट्रेड यूनियन का और उसके साथ साथ हम उसे एडवांटेज के लिए जो है वो उसको कहते हैं तो ये भी पेशकश जो है ये भी ऑफर जो है ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है नेक्स्ट पॉइंट है इंटीमिडेशन टू एम्प्लॉयर यानी इम्प्लॉयर को धमकी देना स्टूडेंट्स हम समझ रहे हैं कि शायद इम्प्लॉयज़ ही इम्प्लॉयर्स uh, uh, ही इम्प्लॉज़ को इंटीमिडेट कर सकते हैं यहाँ पर जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस वर्कमैन की तरफ से है वर्कमैन भी या इम्प्लॉयज़ भी जो इम्प्लॉयर को धमकियाँ दे सकते हैं इंटीमिडिएट कर सकते हैं जैसे uh, 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 कह सकते हैं कि उनके कोई मुतालबात माने जाएँ तो एम्प्लॉयर जो है वो उनकी कोई डिमांड एक्सेप्ट करे अदरवाइज वो उनको कोई फिजिकल इंजर कर सकते हैं या उनका कोई टेलीफोन कनेक्शन जो है उसको डिसकनेक्ट कर सकते हैं पानी या बिजली की फैसिलिटीज जो हैं उनको डिसकनेक्ट कर सकते हैं तो ये भी वर्कमैन की तरफ से एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है नेक्स्ट है हमारा इलीगल स्ट्राइक इलीगल स्ट्राइक जो है इलीगल स्ट्राइक जो, जो है इसके अंदर भी Uh, हम ये बात कर सकती हैं कि अगर कोई भी शख्स जो है वो कमेंट्स करता है या किसी दूसरे अमले के अंदर मौजूद शख्स को कमेंट्स करने के लिए कह सकता है कि स्ट्राइक कमेंट्स करे या हम तुम्हें कोई एडवांटेज uh, देते हैं uh, मसलन तुम्हें मनी प्रोवाइड करते हैं या ऐसी कोई मॉनेटरी सपोर्ट करते हैं तो ये भी एक इ स्ट्राइक है और ये सारी जो है वो एम्प्लॉज़ की तरफ से इ प्रैक्टिस हैं और ये जो कि बिल्कुल लॉ के अंदर अकॉर्डिंग टू सेक्शन सिक्सटीन के अंदर अलाउ नहीं है अब हमारा जो लेक्चर है एंड होता है स्टूडेंट्स और अगर आपने कोई क्वेरी अराइज करनी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो बात कर सकते हैं थैंक यू स्टे होम स्टे सेफ अल्लाह हाफ़ि